Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel School of Science. मेरा नाम नितिन लूथरा है. मैं क्लासेस 9, 10th के लिए साइंस और क्लासेस 11, 12th JEE नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ. मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है. मैंने बहुत सारे दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर काफ़ी सारे वैल्यू एडेड सेशंस भी ले हुए हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पेरेंट्स टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग, स्ट्रीम सिलेक्शन, क्रैक द बोर्ड सेशन, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर ड्यूरिंग एन एग्जाम एंड सो ऑन. ये सारे वैल्यू एडेड सेशंस मैं आपके लिए भी ज़रूर अपलोड करूँगा, पर सही समय आने पर. फिलहाल हमारा काम है आप लोगों को एजुकेट करना, आप लोगों को सारा का सारा बेस्टेस्ट कंटेंट डिलीवर करना, ताकि आप अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सकें. तो हम शुरुआत करते हैं आज के नए टास्क के साथ, नए सेशन के साथ, जो बेस्ड है क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर का कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर. इसके पहले के लेक्चर में हमने इंटरैक्शंस पढ़ी थी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में जो एग्जिस्ट करती हैं. उसके बाद के लेक्चर में हमने लॉज पढ़े थे, गैस लॉज, वो थे बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. आज हम दो और नए लॉज पढ़ने जा रहे हैं जो गैस लॉज पे बेस्ड हैं, जिनके ऊपर हमारी गैसेज जो हैं जिन लॉज को फॉलो करती हैं. जो तीसरा हमारा लॉ जो हम आज पढ़ रहे हैं उसका नाम है एवोगैड्रोज लॉ. ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था. इसके दो रिप्रेजेंटेशंस हैं, इसलिए हम दोनों को पढ़ेंगे. तो देखते हैं पहला लॉ की स्टेटमेंट जो है वो क्या कहती है. पहले लॉ की स्टेटमेंट कहती है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर आप किसी फिक्स्ड मास ऑफ गैस को लेते हैं और वो जो फिक्स्ड मास ऑफ गैस आप लेंगे, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि आपने उसका अमाउंट कितना लिया है, आपने उसके मोल्स कितने लिए हैं, या आपने उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लिए हैं. सिंपल सी बात है, अगर आपके पास गैस के मोल्स ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, और अगर आपके पास गैस के मोल्स कम होंगे तो वो कम वॉल्यूम में भी अकोमोडेट हो जाते हैं. तो हम इस फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ही बात कर रहे हैं कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो हमारे पास ये क्या आ गया, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय फिक्स्ड मास ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मोल्स के. एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा है. तो V इज इक्वल टू K इंटू एन, जहां पे K हमारा क्या हो जाएगा, एवोगैड्रोज कांस्टेंट. तो V इज इक्वल टू K. अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास. तो मैं मोलर मास को यहां ले जाता हूं और वॉल्यूम को यहां ले आता हूं. तो मोलर मास इज इक्वल टू K इंटू मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम मतलब गैस के पार्टिकल्स का मास और गैस की वॉल्यूम, वो क्या बन जाता है, डेंसिटी. तो मोलर मास इज इक्वल टू के इनटू डी, जहां पे डी क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ गैस. तो इससे हमें ये पता लगा कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डेंसिटी. अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है, इफ़ एनी गैस हैज़ हायर मॉलिक्यूलर मास देन इट्स डेंसिटी ऑल्सो इज हाई. उसकी डेंसिटी जो है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी. सो दिस इज द स्टेटमेंट. तो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो हमें कहां से पता चलती है, एवोगैड्रोज लॉ से
पता चलती है, एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस से पता चलती है। अब इसको हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसका दूसरा जो स्टेटमेंट आता है उसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सेपरेशन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप इस दूसरे वाले लॉ के बारे में अच्छे से समझ सकें। दूसरी स्टेटमेंट जो हमारे पास इस लॉ की आती है वो क्या कहती है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो गए, कॉन्स्टेंट, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब कॉन्स्टेंट कह लीजिए या सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कह लीजिए, ठीक है, मतलब दो गैसेस के लिए दोनों की वैल्यू सेम की हम बात नहीं कर रहे। कहते हैं इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या मतलब है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस ए है, और हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर एक दूसरी गैस है बी। अब इन दोनों कंटेनर्स की क्या खास बात है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस ए इज सेम एज टेम्परेचर ऑफ द गैस बी। दोनों के प्रेशर जो एग्जर्टेड कर रहे हैं, जो कंटेनर के अंदर वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, वो भी सेम है, ठीक है। तो अगर इन दोनों कंटेनर्स की वॉल्यूम भी सेम होगी तो दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी। अब आप मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं या मोल्स ले रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी एक एक्स वाई जी गैस है, मेरे पास भी एक कंटेनर है उसके अंदर भी कोई एक अलग ए बी सी गैस है। दोनों कंटेनर जो आपके पास है जो मेरे पास है उनकी वॉल्यूम सेम है, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, जो टेम्परेचर मेरे रूम का है वही टेम्परेचर आपके भी रूम का है, दोनों का प्रेशर भी क्या है, सेम है, आपके रूम के जो प्रेशर है वो मेरे रूम के यहाँ पे भी प्रेशर है, तो जाहिर सी बात है जो भी हमारी गैसेस होंगी उस कंटेनर के अंदर उन दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज एवोगैड्रोज लॉ या एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस जो हम कंफर्म या सेम मान के चलते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस लॉ। इस वजह से हमको ये बताया गया था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो अब हम यहां पर आ जाते हैं एक नई इंफॉर्मेशन पाने के लिए। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जब टेम्परेचर कितना होता है 273.15 केल्विन, प्रेशर कितना होता है 1 atm, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस उसकी वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 liters। तो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम NTP भी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब कभी कभार क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में प्रेशर 1 atm की जगह हम क्या ले लेते हैं, 1 bar ले लेते हैं, और जब टेम्परेचर कितना हो 273.15 केल्विन एंड प्रेशर कितना हो 1 bar, एक्चुअली 1 atm इज इक्वल टू 1.013 bar। तो अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 1 atm जो है वो 1.013 bar के बराबर होता है, या फिर 1 bar जो है वो 0.987 atm के बराबर होता है। तो ये जो स्लाइट वैल्यू का जो वेरिएशन आ रहा है 1.013 bar, उस वजह से वॉल्यूम में हल्का सा डिफरेंस आ जाता है, और ये कितनी बन जाती है 22.7 लीटर्स। तो STP पे अगर आप टेम्परेचर
तो सेम ही है, प्रेशर 1 ATM लेते हैं तो वॉल्यूम कितनी आ रही है 22.4 लीटर्स, और अगर आप प्रेशर ले रहे हैं बार में 1.013 bar जिसकी वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू जो है वो कितनी बन जाती है 22.7 लीटर्स। एंड जो तीसरी हमारी कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर होता है 298.15 केल्विन, प्रेशर हम कितना लेते हैं उसके अंदर 1 bar, तो उस केस में 1 mole ऑफ गैस की जो वॉल्यूम आती है वो 24.78 लीटर्स हम लेते हैं। तो हालांकि हमको मेनली इन दोनों से ज़्यादा कंसर्न है, हमें ये दोनों जो है वो ज़्यादा याद रखनी है, इनकी वैल्यूज़ लेते हैं, पर कभी कभार कुछ टीचर्स कह देते हैं कि आप 22.4 लीटर्स ही ले लीजिए, चाहे वो 1 ATM हो चाहे वो 1 bar हो, कभी कभार कहते हैं वो 22.7 लीजिए चाहे वो 1 ATM हो चाहे वो 1 bar, दैट डिपेंड्स अपॉन योर टीचर। अदरवाइज डिफरेंस जो है वो STP का NTP का कुछ इस हिसाब से आता है, जो वैल्यू का डिफरेंस आता है उसकी वजह से वॉल्यूम किसी गैस की स्टैंडर्ड कंडीशन पर डिफरेंट हो जाती है। तो आई होप आपको एवोगैड्रोज लॉ जो है वो समझ में आ गया, तो हम इसके नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, दैट इज गे लुसैक्स लॉ और अमेंटन्स लॉ। उनके नाम पे मत जाइए, उन्होंने जो काम किया है उसको देखिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं इस लॉ की, भी दो स्टेटमेंट्स हैं और ये सिमिलर है काइंड ऑफ चार्ल्स लॉ से। अब वो कैसे है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो देखते हैं पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लॉ क्या कहता है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहते हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होती है तो उसको हम कहते हैं आइसोकोर या आइसोकोरिक, जो ग्राफ आता है हमारा, ठीक है वो बाद में देखेंगे। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कहते हैं द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस, मतलब एक गैस है जो आपने ली है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर पर। मतलब अगर उस गैस का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो प्रेशर भी ज्यादा एग्जर्ट करेगी, मतलब द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा यहाँ पे किस में होगा, केल्विन स्केल में। तो अगर आप प्रेशर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, के कॉन्स्टेंट, अमेंटन्स कॉन्स्टेंट। एंड अगर आप इसकी इक्वेशन बना लेंगे तो PITI विच इज इक्वल टू PF अपॉन TF, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाती है। तो अगर टेम्परेचर गैस का कम होगा तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी वो भी कम होगा, अगर टेम्परेचर गैस का ज़्यादा होगा तो वो प्रेशर भी ज़्यादा एग्जर्ट करेगी। इसकी एक एप्लीकेशन आती है। अब होता क्या है, गर्मियों में हमें कार या स्कूटर या बाइक या साइकिल के टायर्स में ज़्यादा या बार बार हवा भराने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो कार जो टायर के अंदर जो एयर होती है उसका भी प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए हमें टायर जो है वो इन्फ्लेटेड भरा हुआ लगता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो जैसे आप अपनी कार या स्कूटर या बाइक या साइकिल के पास जाएंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर लो होता है, जैसे आप देखेंगे आप बोलेंगे अरे मैंने तो कल हवा भरवाई थी, ये टायर मुझे डिफ्लेटेड क्यों लग रहा है, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है जिसकी वजह से जो कार के अंदर के टायर के अंदर की जो हवा होती है वो प्रेशर भी क्या एग्जर्ट करती है, कम एग्जर्ट करती है। तो हमको लगता है कि शायद हवा निकल गई टायर की या उसने हवा जो है वो कम डाली है, पर ऐसा नहीं होता। अगर टायर के अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगी और टायर इन्फ्लेटेड रहता है, भरा हुआ लगता है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एयर जो एयर टायर के अंदर होगी उसकी मूवमेंट भी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी,
जिसकी वजह से वो कार के टायर के अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी वो कम करेगी, इससे टायर हमें पतला या डिफ्लेटेड लगता है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर हवा जो है वो किसी ने निकाल दी है या निकल गई है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल क्या आती है, एप्लीकेशन आती है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अगर हम इसके ऊपर ग्राफ प्लॉट करते हैं राइट, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो ये रहा टेम्परेचर केल्विन स्केल में, ये रहा प्रेशर। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है, जहां पे हमने ये इसको क्या लिया एज वी वन, लेकिन अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा देते हो तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चला जाता है, जहां पे वी टू की वैल्यू जो है वो वी वन से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ जो है वो टेम्परेचर वाली जो एक्सिस है उसकी तरफ क्या करता जा रहा है, शिफ्ट करता जा रहा है, वो नीचे की तरफ जो है वो शिफ्ट कर रहा है, टेम्परेचर एक्सिस की तरफ जो है वो शिफ्ट करता जा रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ के हिसाब से आता है। तो पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू राइट। अब इसको हम दूसरे टर्म्स में पढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अमेंटन्स लॉ, गे लुसैक्स लॉ के सेकंड स्टेटमेंट की, वो क्या कहती है। कहते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर जो गिवन मास ऑफ द गैस एग्जर्ट करती है वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। सर कितना इंक्रीज करेगा या कितना डिक्रीज करेगा, बाय 1/273 ऑफ इट्स फ्रैक्शन राइट। जो भी उसका इनिशियल प्रेशर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसी प्रेशर का 1/273 फ्रैक्शन आप निकाल लेंगे। अगर वो इंक्रीज करता है तो उसको ऐड कर देंगे, अगर वो डिक्रीज करता है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो ये जो लॉ है, अब ये चार्ल्स लॉ की तरह सिमिलर आ गया, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही होता था, क्योंकि उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर था, यहां पर प्रेशर और क्या है, टेम्परेचर है। तो वो क्या कहता है कि जो फाइनल प्रेशर हमारा होगा वो क्या होगा, इनिशियल प्रेशर के प्लस इनिशियल प्रेशर का 273 वाला फ्रैक्शन आप निकाल देना और टी से उसको मल्टीप्लाई कर देना, जहां पे टी हमारा क्या बन जाता है, राइज इन टेम्परेचर। आप कितना कर रहे हैं, अगर 1 डिग्री करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इतना फ्रैक्शन उसमें ऐड हो जाएगा, और ये सब आता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एंड अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो इसी फ्रैक्शन को आप इसमें से माइनस कर देंगे। इफ टेम्परेचर फॉल्स, तो उस केस में फाइनल प्रेशर जो है वो क्या बन जाता है, इनिशियल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर का ही 273 वाला फ्रैक्शन इनटू फॉल इन टेम्परेचर इनटू दिस। तो अब हम इसके अंदर इनिशियल प्रेशर को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 1/T/273। अब हमने फाइनल प्रेशर हमारा क्या बन जाएगा, इनिशियल प्रेशर, ये आ जाएगा 273 प्लस टी अपॉन 273। अब ये हमारा बन जाएगा फाइनल टेम्परेचर, ये हमने मान लिया इनिशियल टेम्परेचर, क्योंकि 0 डिग्री से हमने क्या मान लिया, 273। तो अब हमारा फाइनल प्रेशर जो है वो क्या बन गया, इनिशियल प्रेशर इनटू फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। इसको मैं यहां ले आया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्रेशर फाइनल अपॉन टेम्परेचर फाइनल इज इक्वल टू प्रेशर इनिशियल अपॉन टेम्परेचर इनिशियल। तो ये वही तरीके से सिमिलर हो गया जैसे हमने चार्ल्स लॉ में किया था, वॉल्यूम को इंक्रीज कराया था, और यहां पर हम क्या करा रहे हैं, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, पर टेम्परेचर को हमने किससे रिलेट किया है, यहां पर प्रेशर से रिलेट किया है। एक बड़ी ही अच्छी बात मैं आपके साथ यहां पर शेयर करता हूं। अगर हम 3 लॉस को देखें तो हमने देखा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये था हमारा कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पर तो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या आ गया, इनवर्सली आ गया। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर वो एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कैसे हो गया,
आई रिपीट, बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम एंड प्रेशर दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ तो टेम्परेचर एंड प्रेशर वो तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गए। लेकिन यहां पर अमेंटन्स लॉ कहता है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये कैसे हो गया है? तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, साइंस कहती है प्रेशर है, प्रेशर आप लगाओ तो आपके हिसाब से काउंट होगा, प्रेशर हम लगाएंगे तो हमारे हिसाब से काउंट होगा। रेफरेंस फ्रेम तो दोनों का क्या रहेगा, सही रहेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर ये जो चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप प्रेशर को किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। बॉयल्स लॉ में अगर आपको याद हो, मैं क्या कहता था कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, मतलब प्रेशर वॉज अप्लाइड ऑन द गैस, बॉयल्स लॉ में प्रेशर जो था वो गैस के ऊपर अप्लाई हो रहा था। इसलिए जब आप गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या गैस अगर प्रेशर कम अप्लाई कर रही है तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अगर गैस प्रेशर कम अप्लाई कर रही है तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गया। तो जब आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बॉयल्स लॉ वॉज अप्लाइड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑन द गैस, है ना। तो यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है कि बॉयल्स लॉ किसके बारे में बात करता था, बॉयल्स लॉ कहता था प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। लेकिन अमेंटन्स लॉ क्या कह रहा है, अमेंटन्स लॉ कह रहा है प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस। तो ये वाला एक तरह से एक्सटर्नल प्रेशर है और ये वाला एक तरह से क्या है, इंटरनल प्रेशर। ये गैस का प्रेशर है यहां पर और वो जो था वो गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा था। और मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि लोग इस डिटेलिंग में नहीं जाते। आप सिंपल सी बात है ये पूछ लेना कॉन्सेप्ट कि भाई बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, अमेंटन्स लॉ के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ऐसा कैसे आ रहा है, कौन सा लॉ सही है। इट इज ऑल अबाउट दिस। तो इस चीज का ध्यान रखना कि हमको प्रेशर जो है वो कौन, कैसा प्रेशर, गैस के ऊपर अप्लाई हो रहा है कि प्रेशर गैस अप्लाई कर रही है। तो दोनों की लैंग्वेज में फर्क आता है। इसलिए जब गैस प्रेशर अप्लाई करेगी तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, लेकिन जब गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है तो उसकी वॉल्यूम कम होती है। बट साइंस कहती है प्रेशर तो प्रेशर ही है, कौन अप्लाई कर रहा है आप उस हिसाब से पढ़ो। तो यहां पे जो लॉज है वो उस हिसाब से पढ़े जा रहे हैं कि प्रेशर हम गैस के ऊपर लगा रहे हैं या प्रेशर गैस खुद लगा रही है। तो ये मैंने बहुत ही आपसे बेसिक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज शेयर करी है। एंड मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे टीचर्स इतने वहां तक जाके बच्चों को बताते भी नहीं है, समझाते भी नहीं है। तो ये बेसिक, ये सिंप्लिसिटी साइंस के अंदर होनी या समझानी, समझ में दिलानी आपको, ये ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आई होप बच्चों आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा, आपने कुछ चीज नई सीखी है। आप देख सकते हैं आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को इसके बारे में भी नहीं पता होगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। उनका भी भला होना चाहिए, उनको भी नॉलेज अच्छी मिलनी चाहिए। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि मैं बहुत 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 सारे लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर रहा हूं अलग अलग क्लासेस के लिए। अगर एक दो दिन आगे पीछे हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि लेक्चर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि लेक्चर किसी और क्लास के लिए बन चुका है या बन रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है, अगर आपको कोई चीज समझनी है, तो बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज लेट मी नो एंड आई प्रॉमिस मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।